हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक के टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी टॉप करंट अफेयर हैं फरवरी महीने के, तो उसके हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने जनवरी महीने का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट पे देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार पद्मभूषण श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 30 जनवरी को मनाई जाती है माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुण्यतिथि। माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो है पद्मभूषण से सम्मानित किया गया है। ये एक कवि, लेखक और पत्रकार हैं छायावाद के। माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से जो है एक विश्वविद्यालय भी है जिनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 28 से 30 जनवरी तक का आयोजन किया गया है। तो कहां पर किया गया है? रायपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार प्रदेश के किस स्थान को राम वन गमन पथ सर्किट में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो चंपारण में की गई है। चंपारण एक धार्मिक स्थलों का जो है प्रसिद्ध स्थानों में से एक माना जाता है, क्योंकि चंपारण में जो है संत महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थान माना जाता है। संत महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जो हैं एक कृष्ण भक्त थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? तो बलदेव भाई जो हैं प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान से धरती के भीतर अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष टेराकोरा की रिंग से बना एक कुआं मिला है? तो रायपुर ग्राम रीवा में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में 10वें कलेक्टर के तौर पर 30 जनवरी 2023 को किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो पीएस एल्मा ने ग्रहण किया है पदभार बेमेतरा जिला में। छत्तीसगढ़ को 12वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है 8 पदक प्राप्त हुए हैं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। छत्तीसगढ़ में कहाँ आयोजित जाजल देव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला अंतर्गत किसान सम्मेलन का शुभारंभ 2 फरवरी को होगा? तो कहाँ पर होगा? तो इसका राइट आंसर है जांजगीर चांपा में किया जाएगा इसका आयोजन। छत्तीसगढ़ की प्रखर पत्रकार और पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री चंदूलाल चंद्राकर जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 फरवरी को मनाई जाती है इनकी जयंती। छत्तीसगढ़ के 12 नगर निगम क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 नवंबर 2020 को शहरी स्वास्थ्य योजना की प्रथम शुरुआत हुई थी। किस जिले में मां नर्मदा मेला महोत्सव मनाया जाता है? तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई में मनाया जाता है मां नर्मदा मेला महोत्सव। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फेडरेशन थाई बॉक्सिंग कप में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो थाई बॉक्सिंग कप में जो है मंजू साहू ने स्वर्ण पदक जीता है। छत्तीसगढ़ के किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल को जो है अस्पताल रायपुर को जो है सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक के पद तक पहुंचने वाले पहला व्यक्ति कौन थे?
तो चंदूलाल चंद्राकर जी थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किस स्थान में प्रतिवर्ष कौशल्या महोत्सव आयोजित करने का फैसला लिया गया है? तो चंदखुरी में जो है प्रतिवर्ष कौशल्या महोत्सव आयोजित करने का फैसला लिया गया है। कौन सा राज्य देश का लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य है? तो छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने आर्द्र भूमि या वेटलैंड हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो है 35,534 आर्द्र भूमि हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ में कहाँ देश के पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि रीपा का लोकार्पण किया गया है? तो बस्तर जिले में किया गया है रीपा का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमर वाटिका लोकार्पण कहाँ किया है? तो अमर वाटिका लोकार्पण जो है बस्तर जगदलपुर में किया गया है। जगदलपुर में अमर वाटिका में करीब कितने फीट ऊंचा सहित स्मारक बनाया गया है? तो 60 फीट ऊंचा स्मारक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में प्रदेश के पहला मोबाइल मिलेट यानी कि बाजरा कैफे मिलेट ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इसका राइट आंसर है रायगढ़ जिले से जो है मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑफ व्हील को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। राज्य में गोठानों से 11,885 महिला स्व सहायता समूह सीधे जुड़े हैं जिसकी सदस्य संख्या कितनी है? तो इसकी सदस्य संख्या जो है 136,123 है। छत्तीसगढ़ में स्काउट का नेशनल जम्बूरी का इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मित्रता भाव और सेवा। छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक ढांड को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में लावा और भूमका योजना से कितने हेक्टेयर में सिंचाई होगी? तो 2400 हेक्टेयर में सिंचाई होगी लावा और भूमका योजना के तहत। छत्तीसगढ़ में अत्री चोर की आखिरी गांव पुदाग में आज़ादी की 75 साल बाद सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। पुदाग गांव किस जिले में आता है? तो पुदाग गांव जो है बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है। किस राज्य को निकलर ऐप द्वारा पढ़ाई करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य को दिया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा स्वराज पार्टी के संस्थापक पंडित मोतीलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 6 फरवरी को मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में व्यसन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कितने भारत माता वाहिनी का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 2626 वाहिनी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में राजीव सरोवर उद्यान का लोकार्पण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पाटन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहला मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स को किस स्थान में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है खरसिया से हरी झंडी दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ देश में प्रति व्यक्ति कर्ज भार में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है 25वां स्थान। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले का गांव प्रदेश का दूसरा सुपेबेड़ा बनने जा रहा है? तो सुकमा जिला जो है गांव और प्रदेश का दूसरा सुपेबेड़ा बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कितने अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका राइट आंसर है 2 अस्पताल को जो है राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिला है।
छत्तीसगढ़ को 12वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है 8 पदक प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में राइस मिलों के संचालन के लिए माहौल उपयुक्त होने के कारण इस साल कितनी नई राइस मिल स्थापित हुई है? तो इसका राइट आंसर है 249 नई राइस मिल स्थापित की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। आरंग में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है अनावरण। छत्तीसगढ़ में कुल 52 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में से कितने को MQS प्रमाण पत्र दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दिया गया है MQS प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ में कहाँ 18 और 19 फरवरी को सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है रायपुर में किया गया था। छत्तीसगढ़ के किस जिले का भारत सरकार के नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर है नारायणपुर जिला। तो ये था आज का फरवरी का यानी कि फरवरी महीने का जितना भी टॉप करंट अफेयर्स था उसका क्वेश्चन आंसर था। कुछ क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।